पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने अनुभाग बुधनी के समस्त थाना प्रभारियों एवं अनुसंधान अधिकारियों की आगामी गणतंत्र दिवस की व्यवस्थाओं तथा अपराध अन्वेषण के संबंध में बैठक ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री चंदेल ने बताया कि पुराने आपराधिक प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निवारण थाना प्रभारी की जवाबदेही में किया जाएगा। संपूर्ण जिले में विद्यालय महाविद्यालय एवं संस्थाओं के बाहर शिकायत पेटी लगवाई जाएगी। साथ ही अवैध रेत परिवहन पर विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। बेसिकली नया साल चालू हुआ है तो पूरे जिले में सब डिविजन वाइज मीटिंग कर रहे हैं। कल नसलागंज में की थी, आज बुधरी में की थी। एक तो जो पेंडिंग अपराध रह गए हैं उनको किस तरह से करना है, दूसरा इनका टाइम मैनेजमेंट और उसका इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो, उसके उनको पॉइंट्स बताए गए हैं किस तरह से उनको करना है। एक अपना चार्ट वो आयु रजिस्टर रखेंगे तो उसके बाद अपना खुद का एक टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छा टूल हो जाएगा, वो किया है। थाना प्रभारी भी उनको लगातार मॉनिटर करेंगे। दूसरा जन सुनवाई में बिल्कुल रिलीजियसली उसको मंगलवार को सबको थाना प्रभारी को रहना ही है और उनको यथासंभव 7 दिन में उसका डिस्पोजल करना है जो भी शिकायत है जन सुनवाई में, तो ये भी इनको बताया गया है। और इस पर ऐसे रजिस्टर करके इनको मॉनिटरिंग जिला स्तर पर भी करेंगे। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की भी शिकायतें जो भी जिस तरह की आ रही हैं उनका डिस्पोजल करने के लिए थाना प्रभारी जवाबदार रहेंगे। इसके अलावा हमको ये देखने में आया है कि कई जगह पे जैसे स्कूली और स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएँ अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में जहाँ लड़कियाँ जाती हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ इस तरह की बात होती है तो जागरूकता में फैलाई जाएगी। साथ में वहाँ पर यथासंभव एक शिकायत पेटी भी लगाएंगे जो पुलिस वाले ही अपनी शिकायत पेटी खोलेंगे पुलिस के अधिकारी, और उसमें जो भी बात आती है किसी भी तरह की असामाजिक तत्व की गतिविधियों के बारे में वो उस पर तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये हम कम्युनिकेशन इसका बढ़ाएंगे। थाना प्रभारी और हमारे एक निर्भय प्रभारी भी बनाए गए हैं तो वो भी पूरे जिले में भ्रमण करके इस चीज़ को करेंगे। इसके अलावा अभी जो सरकार नहीं आई है उसकी प्रायोरिटीज जो हैं हमने उसके जुआ सत्ता शराब और खासतौर से अवैध रेत परिवहन इस पर कार्रवाई करने के लिए भी सबको निर्देशित किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियाँ जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे स्टॉपर लग जाए ताकि गाड़ियाँ स्लो जाएँ, वो भी होगा। अभी यथासंभव बात करके कलेक्टर साहब से उसका रूट भी तय किया जाएगा कि कोई गाड़ी जानी है किस रूट से जानी है। तो उनको एक तरफ से निश्चित तौर पर हमारे कानून व्यवस्था में अपराधों के इन्वेस्टिगेशन में और आम जनता से जो संचार बढ़ाना है उसकी उसमें ज़्यादा कार्रवाई करने के लिए मीटिंग ली गई थी और आयु लेवल पर इससे सबसे बात की गई। हेवी ट्रैफिक को लेकर जो नीति लगाई गई कब से कब तक है और अगर इसके बावजूद अगर कोई गाड़ी पकड़ाई जाती है क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए इसमें जो आदेश हैं अवैध रेत परिवहन जो है उसमें एक टाइम लिमिट कर दी गई है कि रेत परिवहन अगर करना है तो आपको 5:30 तक करना है, उसके बाद अगर वो करते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई 188 की जो कलेक्टर साहब का आदेश है उसका पालन किया जाएगा।